लोग जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा जी, फेडरल बोर्ड की बुक है आपकी इंग्लिश की फर्स्ट ईयर की और उसके हम यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस कर रहे थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाए जी एक्सरसाइज में, ठीक है। पेज नंबर आपका 54 है बुक का। एनालाइज द टेक्स्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ इट्स कंट्री फॉर मी एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियन ईच। टेक्स्ट को एनालाइज करें, फैक्ट्स और ओपिनियन और कुछ एनेक्डोट्स और कोटेशन वगैरह, ठीक है, इसकी कोई एग्जाम्पल दे दें। फैक्ट क्या जी, हिज मदर हैड डाइड गिविंग बर्थ टू हर अ वीक बिफोर, ठीक है। हाइलैंड फार्म इज नियर स्केल्स माउंट। हकीकत क्या है कि उसकी माँ जो है वो उस जो बहुत हो जाती है जी एक हफ्ता पहले जी, ठीक है, और हाइलैंड फार्म जो स्केल माउंट के पास से थी, ठीक है। जोएल जो है वो एड और बेटी हाइलैंड का 6 बच्चों में से सबसे छोटा बच्चा है। ओपिनियन क्या है, आफ्टर लिविंग आउट हियर, यहाँ रहने के बाद मैं नहीं समझता कि मैं कहीं भी जो है वो किसी और शहर में रहना चाहूँगा। एनेक्डोट क्या है जी, चुटकला क्या है, जोक क्या है जी, ठीक है। या व्हेन जोएल सेज दैट ही हैज गॉट मेनी बसेस, जब जोएल कहता है कि उसके पास उसके तो बहुत सारे बसेस हैं और हर एक जो टेबल पर बैठा उसकी तरफ इशारा करता है, ये एक एनेक्डोट की लतीफे की एग्जाम्पल है, जोक की एग्जाम्पल है। और ये 11:15 रात का टाइम है और ये भी एक एग्जाम्पल है एनेक्डोट की, ठीक है। कोटेशन क्या है डिपार्टमेंट जी, बिल सैड बिल ने कहा कि यू आर योर ओन बॉस, कि तुम अपने ही बॉस होते हो। आईड गिव एनीथिंग टू बी ब्लफिंग इंस्टेड, ठीक है, कोई भी कुर्बानी दे दूंगा, ठीक है, कुछ भी दे दूंगा ब्लफिंग के लिए जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ कोहेरेंस एंड कोहेशन इज अचीव्ड इन द एसे, इट्स अ कंट्रीफर्मिंग, illustrate with examples from the text. Coherence होता है जी idea level पे connection, idea to idea connection होता है idea level पे, और cohesion होता है connection of ideas at sentence level, ठीक है जी। तो इसका answer बनता है the author has successfully achieved coherence in the essay. Coherence बड़ी आसानी से उसने जो वो achieve की है, ठीक है। The whole story revolves around the personality of Joel. जोएल की पर्सनैलिटी के गिर्द जो है सारी कहानी घूमती है। वो इज़ वेरी वॉचफुल, वो जो बड़ा जो है वो आप ये कहते हैं मुस्तैद है और इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है, ज़हीन बच्चा है, लड़का है, हुज ओनली एम इज़ टू बिकम अ गुड फार्मर, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो एक अच्छा फार्मर बन जाए। राइटर जो है वो लॉजिकल और वर्बल ब्रिजेस यूज़ करता ताकि ऐसे के अंदर उसके ऐसे के अंदर कोहेरेंस रहे, ठीक है जी। एवरी हर पैराग्राफ जो पिछले पैराग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ डिटेल्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोहेरेंस क्या जी, ऐसे बिल्कुल क्लियर बड़े एलानिया अंदाज से टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है और बाकी ऐसे जो है वो उस पैराग्राफ को फॉलो करता है जी। जेल और उसकी जो ड्यूटी है, उसका फॉर्म है जिसकी वो केयर करता है और उसकी रिलेटेड जो चीज़ें हैं और रिपीटेडली जो है इस हिस्से में आती हैं, हर चीज़ जो है वो स्टेटमेंट्स जो बिगिनिंग में स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। रीडर्स जो है वो जानते हैं कि सारे का सारा ऐसे जो है वो जेल के बारे में और उसके कामों के बारे में। कोहेशन क्या है जी, इस हिस्से में हर सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के साथ एक पैराग्राफ में रिलेटेड है, फिर जो पैराग्राफ्स हैं वो रिलेटेड है एक आइडिया के साथ, जो कि जोएल की ड्यूटी है फार्म पर, ये एक आइडिया है। और जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है और उसकी जो फैमिली है उस हवाले से, अगरचे कि ये जो ऐसे है इसके जो तमाम फीचर्स हैं उसमें कोहेशन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन जो ऐसे है वो बहुत ज़्यादा कोहेसिव है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आइडियाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं सेंटेंस लेवल पे, ठीक है। प्रोनाउंस यूज हुए बहुत ज़्यादा तादाद में
और इससे जो है एक अच्छा आइडिया देता है, बड़ा प्यारा आइडिया देता है रीडर्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इट्स अ कंट्री फॉर मी एंड इट्स कनेक्शन टू द थीम ऑफ द लेसन। एक्सप्लेन करें जी टाइटल का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, जैसे कंट्री फॉर मी, ये मुल्क मेरे लिए या ये गांव मेरे लिए, और इसका जो कनेक्शन है थीम के साथ, लेसन के थीम के साथ, वो भी बयान करें। थीम जो है लेसन का कि फार्मिंग जो है वो कोई वैल्यूलेस प्रोफेशन नहीं है, इसकी बाकायदा वैल्यू है, और जो कंट्री साइड जो दही जिंदगी है वो बड़ी मतरूफ जिंदगी है। जो टाइटल है इट्स अ कंट्री फॉर मी, ये मेरा गांव है या मेरा मुल्क है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और थीम हार्डवर्क के थीम के साथ रिलेटेड है, और जो मेहनत की अजमत है उससे रिलेटेड है। विलेज लाइफ बहुत प्लेजेंट किस्म की लाइफ है जी, ठीक है, जहाँ फैमिली मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं और जिम्मेदारियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। मुश्किल वक़्त में जोएल जो है बड़ी मेहनत करता है अपना, अपने वालदैन की रोज़ाना के रोज़मर्रा के कामों में मदद करता है, ठीक है जी। और जो विलेज है सॉरी ठीक है, ही जो विलेज के बतौर विलेज को पूरा मुल्क अपने लिए समझता है, जहाँ बड़ी आप ये कह देंगे बड़ी खुशगवार जिंदगी वो बसर करता है अपनी फैमिली के साथ। टाइटल बड़ा सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंड में, लेसन के एंड में जोएल जो कहता है कि उसको एक जगह को का चुनाव करना है जिंदगी के लिए, और वो जो कंट्री साइड है दही इलाके उसको प्रेफर करेगा, उसको तरजीह देगा, और वो कहता है कि ये मेरे लिए एक पूरा मुल्क है। सो द टाइटल जो है वो थीम के साथ कनेक्टेड है, आइडिया के सेंट्रल आइडिया के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज जो कंट्री साइड है विलेज एरिया है, ठीक है, उसमें बंदा जो है वो बदलते हुए मौसमों को एंजॉय कर सकता है, क्रॉप्स को ग्रो करते हुए एंजॉय कर सकता है, जो वाइड एंड ओपन लैंड है उसको एंजॉय कर सकता है, फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है, और इकट्ठे काम करने को एंजॉय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है जी, डिस्क्राइब द जोएल स्टेटमेंट ऑफ लैम्बी ऑन द ऑर्फन लैम्ब एंड जेसिका द स्मॉल डॉग, व्हाट डज दिस शो। जोएल लैम्बी के साथ क्या सलूक करता है, फिर मतलब एक यतीम भेड़ है, और इसी तरह जेसिका एक छोटा सा कुत्ता है उसके साथ वो क्या सलूक करता है, और ये क्या शो करता है, ये क्या जाहिर करता है। जोएल जो है वो लैम्बी से बड़ा प्यार करता है, जो एक यतीम भेड़ है और छोटा सा डॉग है, कुत्ता है, उसके साथ बड़ा प्यार करता है, वो बड़े पुरजोश अंदाज से, गर्मजोशी से जेसिका को वेलकम कहता है, और उसके जो थिक फर है उसके ऊपर लगी हुई उसको उसको उस पर हाथ फेरता है। जोएल्स लैम्बी के साथ बड़े अच्छे स्लूक के अंदाज से स्लूक करता है, और ये जाहिर करता है आप लैम्बी के साथ बड़ा अच्छा स्लूक करता है, और जेसिका को जो है वो अपना हाथ दिखाता है, और ये के ये जो एनिमल्स हैं वो जोएल के साथ बड़े आप ये कह दें कि फैमिलियर भी हैं, उसके साथ घुल मिल गए हैं, और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और वो उनकी देखभाल भी करता है और उनसे प्यार भी करता है। दूसरी तरफ जो है वो ये भी जाहिर करता है, जोएल बड़ा एक तजर्बाकार किस्म का किसान है, जो जानता है कि किस तरह उसने उनका ख्याल रखना है और अपना कैसे ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर डेली रूटीन विद दैट ऑफ जोएल्स, अपनी डेली रूटीन को जोएल की डेली रूटीन के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट करें। हाउ डू यू रेट द मोटिवेशनल लेवल ऑफ योर डूइंग वर्क विद दैट ऑफ जोएल्स। तो जो मोटिवेशनल लेवल है जिसमें आपको मोटिवेशन मिलती है, जज्बा मिलता है काम करने का, उसको आप कैसे रेट करेंगे, उसकी रेटिंग कैसे करेंगे, या आप कैसे काम करते हैं और जोएल कैसे काम करता है, ठीक है, उसमें आपको मोटिवेशन क्या मिलती है।
जेल का और एक अपनी जिंदगी का एक डेली रूटीन है, इसमें कोई भी रूटीन आपकी जो आपकी अपनी रूटीन है उसको आप मतलब ये कि शेयर कर सकते हैं, जो अपनी रूटीन के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सारे को मैंने एक सैंपल के तौर पे आपके सामने रखा है कि 5 बजे जी वो फार्म एनिमल्स को जो है वो फीड करता है, ठीक है, आप जो है वो 4 बजे फजर की प्रेयर्स अदा करते हैं, मैं अदा करता हूँ जी, ठीक है। अब 6 o'clock ब्रेकफास्ट गेल खाता है जी, हम क्या करते हैं फार्म एनिमल्स को अगर हैं तो फीड करते हैं, वरना को एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कुछ और भी चीज़ है, ठीक है जी। 7 पे मिल्किंग कोर्स करता है जी, जो जानवर है उनका दूध वगैरह दोता है जी, ठीक है। ब्रेकफास्ट आप खाते हैं जी 6 बजे जी, ठीक है। 9 बजे फील्ड वर्क करता है जी, कॉलेज जा रहे होते हैं आप लोग, ठीक है। 11 o'clock रिपेयर मशीनरी को रिपेयर कर रहा होता है, हम क्या कर रहे होते हैं लंच कर रहे होते हैं 10 10 पे 1 o'clock पे, ठीक है। जेल 1 o'clock पे लंच करता है, जबकि आप 1:30 पे अपनी नमाज वगैरह अदा करते हैं। 2 o'clock पे फेंसेस वगैरह बाड़ों को रिपेयर करता है, जबकि आप एनिमल्स को फीड करते हैं या कुछ और आपका काम होता है घर के काम काज करते हैं जी, ठीक है। 4 o'clock पे फार्मर्स मीटिंग की उनकी होती है जी, आप होमवर्क कर रहे होते हैं, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, तो इस तरह आप कर रहे हैं। फिर ये इस तरह के सारे काम है जी, सफर है जी उसका, तो आपका जो है प्रेयर हो रही होती है, उसका स्कूल होमवर्क होता है, और आप क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं, ये क्रिकेट नहीं खेलते तो कोई और आपकी कोई जो डोमेस्टिक खेले हैं गेम्स हैं उसमें आप जो है वो बिजी होते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। डिनर 8 o'clock जी, उसका जो है 8 o'clock पे डिनर है, ठीक है। डिनर तो चलो सबका काम हो सकता है, कभी लेट भी होता है जी, ठीक है। 11:15 तक जो लैंडी वगैरह को फीड करता है, आप 8 o'clock डिनर करते हैं, 1:30 पे प्रेयर्स वगैरह करते हैं जी, 9 o'clock जो है वो सो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आप अपनी मतलब इसको वेरी कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप इसको अपने टाइमिंग अपनी जो रूटीन है उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सैंपल है आपके सामने, टोटली उसकी डिफरेंट है मेरी रूटीन से। वो ज़्यादा टाइम जो है वो पेरेंट्स को फील्ड में हेल्प करने में मदद करता है, वो बड़ा काम करता है जानवरों को काम केयर वगैरह करने के लिए, वो हर चीज़ को के बारे में जानता है, कैटल रेजिंग करने के हवाले से और फार्मिंग के हवाले से। बड़ा ही ओनली कहता है गो टू कॉलेज, ला जाते हैं स्कूल की जगह कॉलेज लिखते हैं, और मैं पेरेंट्स की मदद करता हूँ अपने डेली चोर्स में, कोई लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। जेल का मोटिवेशनल लेवल जो है बहुत हाई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमने 5 डिस्कस किया, इससे आगे 6 होना चाहिए जी, 6 आगे। आप इसको देखते हैं, टू रन अ फार्म लाइक व्हाट स्किल्स वन इज रिक्वायर्ड टू लर्न इफ ही वांट्स टू बी अ फुल फ्लेज्ड फार्मर, कौन सी स्किल्स चाहिए ये सीखने के लिए, बंदे को ये सीखने के लिए कि आया कि वो मुकम्मल तौर पे एक फार्मर, अगर वो फार्मर बनना चाहता है तो उसको कौन सी स्किल की जरूरत होती है, ठीक है। इस किस्म के फार्म चलाने के लिए फार्मर्स को के पास बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, उनको मशीन ऑपरेटर्स होना चाहिए, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, पावरफुल व्हीकल्स होनी चाहिए, और उनको मैकेनिक्स भी होना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है मशीन को, हस्बैंडमैन होना पड़ता है जी, काम काज करने वाला होना पड़ता है, रेजिंग लाइफ स्टॉक वगैरह जितने भी हैं मवेशी भी हैं उनको पालना पड़ता है, वेटरनेरियन भी बनना पड़ता है जी, जो जानवरों को टीके वगैरह लगाते हैं या उनका इलाज करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और जब वो मतलब बीमार होते हैं, माहिर ज़राअत बनना पड़ता है, बड़े लेवल पर जो खुराक उसको उगाना पड़ता है, और इसी तरह बिजनेस पीपल बनना पड़ता है, जैसे कि मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे कि जो उनका फादर कर रहा होता है, फार्म ऑपरेशन जो कि करीब करीब $1 मिलियन के करीब है वो करनी पड़ सकती है जी, जैसा कि जोएल जो है वो फार्म पर काम करता है, वो इन तमाम वर्कर्स की तरह होता है जी। टू बी फुल फ्लेज फार्मर, पूरा फार्मर बनने के लिए एक फार्मर के पास ये मशीन ऑपरेटिंग की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, फार्म आना चाहिए, हुनर आना चाहिए, पावरफुल व्हीकल ड्राइव करनी चाहिए,
मशीनरी रिपेयरिंग करनी चाहिए, लाइफस्टाइल लाइफ स्टाक जो है वो मवेशी वगैरह पालने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेटरिनरी जानवरों का टीके वगैरह लगाने आने चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, फूड प्रोड्यूसर होना चाहिए, फार्म मैनेजिंग उसको आनी चाहिए, उसमें उसका ऑपरेशन आना चाहिए, बिजनेस पर्सन बनना चाहिए, हस्बैंड मैन बनना चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी नंबर 7 पे, व्हाट वे डज ज्वेल प्ले, व्हाट द रोल ऑफ एन एडल्ट, किस अंदाज से जो एक बड़े आदमी का किरदार अदा करता है या एक जवान आदमी का किरदार, ज्वेल जो है उसकी जो डेली चोर्स हैं जी, ज्वेल हेल्प करता है जी फार्म में चलाने में, इसी तरह फार्म रन करने में, फैमिली को सपोर्ट करने में, ज्वेल एक बिल्कुल टीनेजर है जी, लेकिन वो एक एडल्ट का काम, बड़े आदमी का काम करता है, और जितनी दूसरी फैमिलीज हैं उनके बरक्स, जहाँ पेरेंट्स जो अकेले जो है वो पैसे कमाते हैं, फार्म फैमिली जो है इकट्ठे काम करते हैं, हर बच्चे की जो लेबर है वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती फैमिली की वेलबींग के लिए, ना सिर्फ ये कि वो फैमिली की वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट होती बल्कि ज़रूरी भी होती है, वो मुकम्मल तौर पर अपने वालदैन को सपोर्ट भी करता है और उनकी मदद भी करता है एक जिम्मेदार बंदे की तरह, और मुसलसल वो जितनी भी स्किल्स हैं ज़रूरी हैं काम के लिए उनको सीखता है जी, चुनाचे उसका जो रोल है कोई किसी एडल्ट से कम नहीं है। सजेशन द्वारा लिखने के लिए जी आगे देखते हैं, समराइज द लेसन सेकेंडरी फॉर मी इन योर ओन वर्ड्स, सेकेंडरी फॉर मी वाला लेसन भी अपने अल्फाज में उसको समराइज करना है, कहता है कि इस लेसन में जो राइटर है वो एक लड़की के बारे में बताता है जो है जिसका नाम जो एक मतलब ये कि बिल्कुल कनेक्टेड किस्म की कहानी है, उस किस्म की जिंदगी जो है फार्म पे गुजारता है, एक फार्म जहाँ वो रहता है अपनी फैमिली के साथ, उसको हॉलैंड फार्म कहते हैं, और ये 245 एकड़ फार्म है, बड़ा फार्म है, और इसके ग्रेट ग्रैंड फादर ने जो है वो परदादा ने इसको खरीदा था 1860 में, जो इनके जो परदादा थे। बिसाइड्स स्टडिंग के अलावा जी प्राइवेट स्कूल में जो है अपने फादर की हेल्प करता है, भाइयों की हेल्प करता है फार्म में, वो खेती बाड़ी को बड़ा पसंद करता है, वो जो है वो ज़्यादातर वक्त जो है वो बाड़े में गुजारता है, भेड़ों वगैरह की निगरानी करता है, पूरी तवज्जो के साथ उनको फीड करता है जी, खिलाता पिलाता है, जो है एक टीनेजर है बट लेकिन वो काम भी करता है जो कि एडल्ट बड़े लोग करते हैं, वो तमाम टेक्निक्स जानता है जो ज़रूरी होती है मॉडर्न फार्मिंग के लिए, वो जानता है कि किस तरह मशीन्स को ऑपरेट करना है, और वो ये भी जानता है कि किस तरह ताकतवर किस्म की जो व्हीकल्स हैं उनको ड्राइव करना है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह है, और मैकेनिक भी है, और वो जानता है कि मशीन्स को कैसे रिपेयर करना है, और व्हीकल्स को जो कि हॉलैंड फार्म पे इस्तेमाल होती हैं, मुख्तसर ये कि वो ये तमाम स्किल्स को उन तमाम स्किल्स को जानता है जो कि एक खेत चलाने के लिए ज़रूरी होती है। मेन जो मकसद है जोएल का वो एक फार्मर बनना है, किसान बनना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग खेती बाड़ी के बारे में सीखना सीखता है, और वो 6 बच्चों की हालांकि फैमिली में सबसे छोटा है, और वो बड़ी गहरी दिलचस्पी लेता है नए नए काम सीखने में बड़ों से, और वो कोई ज़्यादा काम चोर किस्म का बच्चा नहीं है ही, वो तकरीबन हमेशा नजर आ सकता आता है, कभी एक काम करते हुए नजर आता है, कभी दूसरी काम करते हुए नजर आ सकता है, ठीक है, फिर वो कंट्री लाइफ को दही जिंदगी को तरजीह देता है सिटी लाइफ पे, एक ऐसी जगह जहाँ जो है वो रहना चाहता है वो हॉलैंड फार्म है, और काम के अलावा बतौर फार्मर के जो है वो उस काफ़ी टाइम बचा लेता है, तफरी के लिए भी बचा लेता है, रिक्रिएशन के लिए भी, वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेता है, उसकी फेवरेट स्पोर्ट जो है वो है जो बैल खेली जाती है, जिम खेली जाती है,
और हिरन वगैरह का शिकार करता है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको, जंगली जानवर है उनको ट्रैप भी करता है, मौसम खजाम है। और फिर सॉफ्ट बॉल खेलता है और बास्केटबॉल स्प्रिंग सीजन में खेलता है, जबकि वो जो पानी वाटर स्कीइंग है और फिशिंग है समर सीजन में करता है। जेल मुकम्मल तौर पर इंतहाई अपने आप को खुश महसूस करता है, खुशगवारी होती है उसको, खुशी होती है वीकेंड्स पे और समर सीजन में भी। और इन दिनों वो बाहर काम करता है 8 से 15 घंटे, ठीक है, और वो स्प्रिंग सीजन को पसंद नहीं करता, बिकॉज क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है। मजीद ये कि जो स्नो है वो इन दिनों बहुत मेल्ट हो रही होती है, पिघल रही होती है, मड जो है वो मिट्टी से उसके जो पाँव है वो अटे पड़े होते हैं, ठीक है, आप ये कह दें कि कीचड़ उसमें लतपत भी होता है, और इससे काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो मेल्टेड स्नो है और इन जो है वो हर चीज़ को गंदा और खौफनाक बना देती है। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन में आपने क्या करना है, क्लास को हमने डिवाइड कर देना है जी ग्रुप्स में, पांच 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 के ग्रुप्स में, हर स्टूडेंट जो ग्रुप का है उसका ओरल रिकाउंट होगा, इमेजरी होगी, इमेजिनरी या फैक्चुअल, और उसके जो एडवेंचर्स होंगे किसी भी ट्रिप के हवाले से उसको उन्होंने डिस्कस करना है आपस में मेजर के लिए। वोकैबुलरी और ग्रामर आइटम्स की तरफ आते हैं तो इसमें कहता है सर दी फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी इन ऑथेंटिक सोर्सेस सोर्स एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ इट्स मीनिंग बिलो। मतलब डिजायर अल्फाज जो कि स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी से मुतलका हैं, किसी ऑथेंटिक सोर्स के जरिए उनको तलाश करें और फिर जो करेक्ट वर्ड है उसको इसके मीनिंग के सामने लिखेंगे। द बिगिनिंग ऑफ स्पेस फ्लाइट, ठीक है जी, ये लॉन्च आगे आ जाएगा। अटैच सेल्फ टू अनदर स्पेस व्हीकल, ठीक है जी, ये डॉक आ जाएगा। काउंटिंग टू जीरो बिफोर लॉन्च, ठीक है जी, काउंट डाउन होगा उसको कहते हैं। गोइंग ग्राउंड ऑफ प्लैनेट क्या होगा जी, ऑर्बिट, किसी प्लैनेट के गिर्द घूमना उसको ऑर्बिट कहते हैं। द फोर्स दैट सेलेस्टियल बॉडीज हैव उसको ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हेन द स्पेस व्हीकल लीव्स द सरफेस उसको लिफ्ट ऑफ कहते हैं। यूजिंग एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स नॉट कंप्यूटर्स और एनिमल्स, एस्ट्रोनॉट्स को इस्तेमाल करना, कंप्यूटर्स या एनिमल्स को इस्तेमाल ना करना, इसको मैंड कहते हैं। लैंडिंग इन द सी इसको स्प्लैश डाउन कहते हैं जी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, वो क्या कहता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, हमें उसको देख लेते हैं। कहता फिल इन द आर्टिकल ए एन और द वेयर नेसेसरी चूज एक्स वेयर नो आर्टिकल इज रिलेटेड। नंबर वन में दोनों में द लगेगा, आई लाइक द ब्लू शर्ट और देयर बेटर देन द रेड वन, ठीक है, इसका मतलब ये कि कलर्स के साथ जो है वो आर्टिकल लगता है, यहाँ से ये सेंस भी निकालने की कोशिश करनी है आपने। फिर नंबर टू पे देयर कार डज 150 माइल्स एन आर होगा जी, ठीक है। नंबर थ्री पे वेयर वेयर इज द यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक जी। नंबर फोर पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा, कोई नहीं लगेगा। नंबर फाइव पे एन आएगा, नंबर सिक्स पे एन आएगा, नंबर सेवन पे ए आ जाएगा, नंबर एट पे जी व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, कोई नहीं जी, ठीक है। इसमें नंबर नाइन पे हाशिर हैज अ टेरिबल हेडेक, नंबर टेन पे आफ्टर दिस टूर यू हैव द होल आफ्टरनून फ्री टू एक्सप्लोर द सिटी। अच्छा, बी पार्ट में आ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द डेफिनेट आर्टिकल द इफ नीडेड पुट एन एक्स इफ नॉट नीडेड। डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, अगर आप समझते हैं कि जरूरत है, अगर नहीं है तो फिर एक्स लगा दें, क्रॉस लगा दें, ठीक है जी।
माय ग्रैंड मदर लाइक्स जी फ्लावर्स वेरी मच। ठीक है जी, दरकरास लग जाएगा नंबर टू पे। आई लव द फ्लावर्स इन योर गार्डन, खास फ्लावर्स की बात हो रही है ठीक है, लेकिन अब वो फ्लावर्स दोबारा रिपीट हो रहा है यही लफ्ज, तो फिर दा लगेगा। ठीक है, समझ आ रही है ना? दा लगाने के लिए असूल है कि ये वर्ड दोबारा रिपीट हो जाए तो फिर उसकी जगह पे दा लगते हैं, खास हो जाता है। सी यू ऑन वेंसडे नहीं लगेगा, क्योंकि डेज के साथ जितने भी डेज ऑफ द वीक है उनके साथ दा नहीं लगता। रहेब गोज टू वर्क बाय, आम बस है जी, कोई दा वगैरह नहीं लगेगा, दा स्पेशल के साथ लगता है। डोंट डोंट बी लेट फॉर स्कूल, कोई दा नहीं लगेगा जी, ठीक है, आम स्कूल की बात है। लिसन काशिफ इज प्लेइंग द ट्रम्पेट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ दा लगता है। वी ऑफ्टन सी आवर कजिन्स ओवर ईद, ठीक है जी, तो इसके साथ भी नहीं लगेगा। शी हैज नेवर बीन टू दी नथिया गली, ठीक है, एक खास एरिया का नाम। व्हाट अबाउट गोइंग टू कराची इन फेब्रुअरी, मंथ्स ऑफ द ईयर के साथ भी डेट आर्टिकल नहीं लगता। क्लियर जी? हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में।